हे गाइस, होप आप लोग सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज आपको लेके चलते हैं फाइव सेंस गार्डन दिल्ली में। बहुत अच्छा गार्डन है, कपल्स का गार्डन है। कपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, बट अब फैमिली वगैरह भी आती है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिखाते हैं रास्ता वहाँ का जाने का। हम ऑटो में भी जा सकते थे, बट मेट्रो स्टेशन हमने साकेत से एग्ज़िट किया और यहाँ से वॉक इन भी हमें रास्ता पता है, तो यहाँ से हम वॉक इन जाएँगे। सो गाइस, चलिए। मेट्रो से निकलते ही, मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करते ही आपको आगे से लेफ़्ट लेके एक रोड है, जिस पर आपको सीधा सीधा जाना है। फाइव सेंस का रास्ता आप किससे पूछ लेंगे वो बता देगा। वैसे तो ऑटो वाले भी यहाँ से लेके चले जाएंगे आपको, बट हम वॉक इन इसलिए जा रहे हैं कि आपको दिखा सकें। ऑटो भी 30 रुपये 40 रुपये यही लेता है, बट यहाँ से काफ़ी दूर भी नहीं है, बहुत पास है। सो यहाँ से हम सीधा सीधा जाएंगे, इसी रूट को पकड़ते हुए जाना है सीधा सीधा वहाँ आपको। हाँ, तुम्हें रास्ता पता है? चलो चल रहे हैं। सो गाइस, काफ़ी सीधा यहाँ से स्ट्रेट आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ये INA दिल्ली हाट का दिखेगा। ये दूसरा है, INA वाला नहीं, INA दिल्ली हाट ये दूसरा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, राजस्थान टेक्सटाइल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो ऐसे ही 2-3 शॉप्स आपको दिखेंगे स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, आजकल शादियों का काफ़ी सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे शादी भी हो रही है, डेकोरेशन वगैरह हो रखा है। और स्ट्रीट जाते रहेंगे जहाँ यहाँ पे एक Fit9 का जिम का लगा हुआ है। और यहाँ से काफ़ी स्ट्रीट जाने के बाद आपको फाइव सेंस गार्डन दिख जाएगा। सो आपको वहीं लेके चलते हैं। सो गाइज आपको एक अड्डा दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे हम ना बिरयानी वगैरह अच्छा मिलता है। सो यहाँ पे हम बिरयानी वगैरह भी खाते थे। और आगे आप देख सकते हैं बिरयानी की शॉप है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छी बिरयानी मिलती है, मैंने भी एक बार ट्राई किया हुआ है। सो देखते हैं रिटर्न में यहाँ से भी खाते हुए निकलेंगे। ये देखिए गाइज, ये बिरयानी शॉप है। और फिर यहाँ से हम जाएंगे सीधा सीधा। काफ़ी टाइम स्ट्रेट आने के बाद एक यहाँ से टर्न आएगा, आपको यहाँ से सीधा चलते हुए राइट टर्न लेना है, जो कि हम लेने वाले हैं। ये यहाँ से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद यहाँ से स्ट्रेट जाना है। गाइस देखिए, यहाँ पे यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट जाने के बाद ये फाइव सेंस गार्डन के लिए रास्ता आपको दिखाता हूँ। ये शॉप है, यहाँ पे शॉप था, अब ये तो बंद हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। सो गाइस, ये देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं। यार, एक भैया यहाँ कह रहे हैं कि ये फाइव सेंस गार्डन अब बंद है, सो अभी तक खुला नहीं है। भैया ने क्या बोला? भैया बोल रहे हैं कि क्लोज है, तो हम जाके नज़दीक से देखेंगे क्लोज है या नहीं है। कोई बात नहीं, क्लोज होगा तो कहीं और जाएंगे घूमने। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना क्लोज़ हो गया है ये आपका फाइव सेंस गार्डन। और ये गार्ड वगैरह मना कर रहे हैं, उन्होंने दूर से इशारा करके ही बोल दिया कि नहीं, आज क्लोज़ है। और ये देखिए, आप देख रहे हैं रस्सी बंधा हुआ है, अंदर हम जा नहीं सकते। पहले इसमें जाके टिकट लेते थे और फिर टिकट लेने के बाद अंदर जाते थे। फाइव सेंस गार्डन क्लोज है, जबकि ऑनलाइन दिखा रहा है कि गार्डन ओपन है, 5:30 बजे तक ओपन होता है। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 4 बजे है, 4 बजे ही गार्डन मतलब आई थिंक खुला ही नहीं आज। सो हम यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद हमने प्लान करा हुआ है कहीं और जाने के लिए। कहाँ चले भाई? देखते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और क्या था वो, जो कौन सी गली थी? गली। हम यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। साकेत में ना एक चंपा गली है। हाँ। जो काफी सारे रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो आज हम वहाँ जाएंगे। सो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में चंपा गली की डालूँ। सो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है? थैंक यू गाइज। और होपलेस हो गए हम तो यहाँ के यार, इतनी दूर पैदल आने के बाद पता चलता है कि बंद है। सो गाइस, कोई बात नहीं, लाइफ में ये तो होता ही रहता है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू।